जब भी बाहर जाते हैं तो हमको ये तंदूरी चाय बहुत पसंद आती है। इसको बनाने के लिए मैंने अदरक, इलायची, लौंग और काली मिर्च ले ली है, और इस तरह के मिट्टी के बर्तन जो है मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है दूसरे चूल्हे पे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाए उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया है। अगर मैंने 3 कप पानी लिया है तो 3 कप दूध डाल देते बराबर क्वान्टिटी में। जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही सेम उसी तरह बनाइए। उसके बाद मैंने शक्कर डाल दी, चाय पत्ती जैसे ही उबाल आए तब डालिएगा, तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट इस तरह का कलर हो जाएगा। और थोड़ी देर और पकने देंगे तो इसका कलर जो है, चाय जितनी अच्छी पकेगी ना उतना अच्छा कलर लेती है। देखिए इस तरह की फाइनली ये चाय हमारी पक गई है। और हमने जो बर्तन रखा था ना गर्म होने के लिए मिट्टी का, उसको भी एक भगोने में रख देते हैं और बस उसमें चाय इस तरह से छान लीजिए और उस अपने आप ही वो इस तरह से ऊपर आएगी। और इसका मिट्टी का फ्लेवर जो है इस तंदूरी चाय में बहुत मज़ेदार लगता है। आपने कई बार बाहर बनाई होगी, इस तरह से आप घर पे बनाइए और सारे मेंबर को प्यार से पिलाइए। ये बहुत ही अच्छी लगती है चाय। तो अगर आप चाय लवर हैं तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए। बाय बाय।